आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस विषय की जो उत्तराखंड के भीतर मुद्दा ना जाने होते हुए भी क्यों गुम हो गया। जरा सोच कर देखिए, जिस युवा राज्य के अंदर, युवा राज्य क्योंकि 21 साल इसकी उम्र हो गई, ऐसे में युवा राज्य जहां पर 10% वोटर बेरोजगार हो, जी बिल्कुल सही सुना आपने, 10% वोटर बेरोजगार उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी बेरोजगारी किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में अभी तक दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ नारों में सुनाई दे रही है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए एजेंडा क्या है, रणनीति क्या है, रोड मैप क्या है, वो किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। बेरोजगारों की संख्या और तादाद देहरादून से लेकर चंपावत तक बहुत लंबी है, ये फहरिस्त जिसका जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि 2001 का मैं जिक्र करूं, 2001 इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 2001 ये वो साल था जब उत्तराखंड देश के मानचित्र पर आया। तब उस वक्त पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3,13,000 के आसपास थी, पंजीकृत बेरोजगार जो नौकरी करना चाहते हैं, जो पंजीकरण करवाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद जो आंकड़े का मैं जिक्र करूंगा ये पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के इतर दूसरी संख्या का भी मैं जिक्र करूंगा, जो इच्छुक है वो पंजीकृत करवाते हैं, पंजीकरण करवाकर नौकरी की तलाश में होते हैं, रोजगार मेले लगाए जाते हैं, लेकिन कितनों को नौकरी मिलती है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर इस वक्त 2021 का मैं जिक्र करूं, क्योंकि मैंने 2001 का जिक्र किया था तब 3,13,000 पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या, लेकिन आज 2020-21 का मैं जिक्र करूं तो यह संख्या 8,07,722 हो जाती है। यानी हर हाथ को काम देना उत्तराखंड की चुनौती है। युवा देहरादून की सड़कों पर लाठियां खाते हैं लेकिन फिर भी राजनीतिक दल इनकी सुध नहीं लेते, सिर्फ नारों का शोर है। 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि 8,07,722 पंजीकृत बेरोजगार है, यानी कि 21 साल में ढाई गुना से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप पर ही अपना जोर देते हैं। अब इसमें भी हैरानी करने वाली बात, हैरान करने वाला आंकड़ा एक और भी है, और वो है कि शिक्षित बेरोजगार जिनकी संख्या 8,00,000 के पार हो चुकी है, ये शिक्षित बेरोजगार हैं और असंगठित क्षेत्र के 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने महज 10,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। और असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा उत्तराखंड में 21,00,000 पार कर चुका है, 21,00,000 ये असंगठित क्षेत्र है इनकी बेरोजगारों की संख्या, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। 10% मतदाता जो वोटर हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी दूर करने के नारे हैं। देहरादून की बात करूं तो देहरादून में 1,37,045 बेरोजगारों की फौज है, हरिद्वार में 1,17,071 बेरोजगार, ये पंजीकृत बेरोजगार है जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, जिन्होंने पंजीकरण करवा के नौकरी की तलाश छोड़ दी वो तो बहुत दूर की बात है, ये उनके आंकड़े है ही नहीं। जरा सोचिए कि अगर उनके आंकड़े जोड़ दिए जाए जिन्होंने नौकरी की चाहत ही छोड़ दी नौकरी ना मिलने के चक्कर में, तो फिर यह आंकड़ा कहां जाएगा। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ और कुछ आंकड़े लगातार मैं आपको बताऊंगा और रोजगार मेलों का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इसे एजेंडे के रूप में भले ही राजनीतिक दल ना मानते हों बेरोजगारों की फौज को, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार इन बेरोजगारों की आवाज अपने इस मंच से उठाता रहा है, और खासतौर पर 3:30 बजे का वक्त
हम ऐसे ही उत्तराखंड के जनहित के मुद्दे उठाते हैं, राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाते हैं, राजनीतिक मुद्दे बहुत कम उठाते हैं। इसी मंच पर कोशिश ये होती है कि आप लोगों की आवाज को उठाया जाए। मैं सीधा रुक कर रहा हूं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सौरभ रावत जुड़े हुए हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी से, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जिला अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ रावत। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका। साथ ही साथ हमारे साथ सुभाष, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह भी उत्तराखंड में बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, ये भी बेरोजगारी को झेल रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं सौरभ रावत, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की। जी जी। ये आंकड़े मैंने गलत तो नहीं पढ़े? जो आंकड़े मैंने जनता के सामने पढ़े, अगर मैंने गलत नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप लोगों की आवाज उठाने के लिए नारे तो लगते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में बेरोजगारों को रोजगार देना प्राथमिकता में नहीं है सौरभ जी। हाँ जी, जो भी आंकड़े आपने अभी बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और रोज अखबारों में पब्लिश होता है कि उत्तराखंड के जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है उनकी संख्या 8 लाख से पार पहुंच चुकी है। ये लगभग हर चौथे दिन पांचवे दिन अखबारों में दिख ही जाता है, लेकिन फिर भी ये चुनाव के माहौल में राजनीति दलों ने किसी बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया है, तो इसका कारण स्वयं बेरोजगार है। क्योंकि बेरोजगार यहाँ पर हम जब अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड की तुलना करते हैं तो यहाँ पर बेरोजगार अपने हकों के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, और बेरोजगार संघ से प्रत्येक समय समय पर कई तरीके प्रदर्शन किए जाते हैं। लोग बिल्कुल भी आने के लिए लड़के तैयार नहीं होते हैं। लड़कों को लगता है कि कमरे में पढ़ाई करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम को भी सही होना जरूरी है, तभी पढ़ाई हमारी सही हमें रिजल्ट दे सकती है, जो हम एक सही सिस्टमेटिक तरीके के लिए लड़ेंगे कि हाँ सिस्टम सही हो। कई परीक्षाओं में धांधली हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन लड़के बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। मेरे हिसाब से तो लड़कों का उदासीन होना इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी को। युवा खुद उदासीन है, जिस वजह से राजनीतिक दल जो है वो जानते हैं कि युवा सवाल नहीं, युवा बिल्कुल बिल्कुल जी, इसलिए ही वो राजनीतिक मुद्दा आज तक नहीं बन पाया है। और आजकल के आप राजनीतिक मुद्दे उठाइए तो, जैसे मैं अपने क्षेत्र में हूँ यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी वाली कि हमने सड़कें बनाई है और हमने लाइट्स लगवाई है, हर घर नल, ऐसी योजनाएं गिना रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि जब 2000 में उत्तराखंड बना होगा तो 2002 के चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे कि हम सड़कें बना देंगे और हम लाइट्स लगा देंगे, हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। ये मुद्दे 2002 से 2022 तक सेम टू सेम चले आ रहे हैं, और इन मुद्दों पर ही राजनीति हो रही है, इन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ी जा रही है। हमारे लिए बहुत एक दुख की बात है ये कि हमारे 20-22 साल बने हुए हमारे राज्य को हो गया, और अभी तक हमारे राज्य बुनियादी जरूरतों के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहा है। ये लोगों की जागरूकता की कमी के कारण भी, लोगों की जागरूकता की कमी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे हिसाब से। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, रोजगार मेले तो लगाती है ना सरकार, सरकार कह रही है हम रोजगार मेले लगाते हैं। अब पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8,07,722 है, 2019 में 7,78,077 थी, 2018 में ये 8,29,000 के आसपास थी। तो ये आंकड़े तो हर बार जो हमें दिखाई देते हैं वो राजनीतिक दलों को भी दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एजेंडा क्यों नहीं बन पा रहा उत्तराखंड में बेरोजगारी? वीरेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। जैसे मैं जानता हूँ सर कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो सर अदर स्टेट से बहुत ज्यादा है सर, ठीक है सर, लेकिन हमारा जो युवा है सर वो जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहता सर, पहली बात तो ये है सर। और जो सर कि हमारे जो युवा वर्ग है इस आगे बढ़ना नहीं चाहता है, अगर जो हम जो सब युवा लोग जो है एक होके उसको इस बार जो है राजनीतिक जो नेता लोग जो है इसको मुद्दा, हम अपना मुद्दा अगर नेताओं के पास इस बार जो है जैसे बेरोजगार हमारे जैसे मेरे भाई जो है बहुत सारे बेरोजगार है, तो सर हमें जो अपने अधिकारियों को आगे आना चाहिए सर, और जो है तभी जाके सर हमारी सरकार जो है आगे हम बेरोजगारों के बारे में सोच सकती है। और नहीं तो सर जैसे आप देख पा रहे सर कि ये आंकड़े बढ़ते ही चले जाएंगे सर, क्योंकि सर यहाँ जो है शिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगारी की संख्या सबसे ज्यादा है सर। मैं देख रहा था शिक्षित बेरोजगारों की मैं संख्या देखूं, आप वीरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या यहां पर 8 लाख के पार है, 8 लाख के पार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी सर जी, 8 लाख से भी ज्यादा है सर।
जिस तरह मैं देख पा रहा हूँ सर कि आजकल जो सर जो गवर्नमेंट जो आजकल ये जो कोई चुनाव हुई जो है सर बोलते हैं सर कि 24,000 हमने जो रिक्वायरमेंट निकाली है सर, लेकिन सर ये बताइए सर गवर्नमेंट से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि आपने जो अपने 5 साल के कार्यकाल में हम हाँ बेरोजगारों को कितनी जो है नियुक्तियां दी सर, निकालने वाली बात नहीं, जो नियुक्तियां मिली सर हम उसी को जो है सर रोजगार मानते हैं सर, नियुक्त जो उन्होंने वो निकाली सर जो है वो पद निकाले उसको हम नियुक्ति नहीं मानते सर, उसका रोजगार है ही नहीं सर, वो कब मिलता कुछ उसका कोई पता नहीं है सर। समस्या क्या आ रही है सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग तो लगातार बेरोजगारी छात्र संघ एक मंच होता है और हर राज्य में इस तरह के बेरोजगार जो हैं उस मंच को तैयार करते हैं और उस मंच के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं, और मैं लगातार कहता हूं कि सिर्फ ट्विटर ट्विटर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा। सौरभ जी 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 हाँ जी, ये इसमें दिक्कत ये है सर, मैं अगर इसकी एक मतलब मुझे लगता है जो मैंने पिछले महसूस किया है 2-3 सालों में कि उत्तराखंड विधानसभा में जो 70 के विधायक हैं जो चुन के जाते हैं उनमें से कोई भी विधायक स्वतः संज्ञान से बेरोजगारों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता सर। बीच में जब फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में धांधली हुई थी उसको लेके आंदोलन हुए तो कोई भी विधायक उसको लेके विधानसभा में, जबकि हम विधायक को चुन रहे हैं इसलिए चुन रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र के मुद्दों को आगे ले जाए, और ये तो पूरे राज्य का मुद्दा है बेरोजगारी। अगर कोई विधायक स्वतः संज्ञान से इस मुद्दे के बारे में बात करे तो वो तो पूरे राज्य में लोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि सभी राज्य के 10 लाख लोग लगभग शिक्षित बेरोजगार हैं, और ये जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के सर ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, इसके 2 या 3 गुने पे आपको और बेरोजगार भी मिल जाएंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो है कि वो बेरोजगारी से ग्रसित हैं, या तो वो मनरेगा में काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं, कोई होटलों में कहीं जाके काम कर रहा है, कोई किसी जगह है, लेकिन सर बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़े इससे 2 गुने या 3 गुने हैं जो जो हमें पब्लिश हो रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के आंकड़ों के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वही आवाज भी नहीं उठाते आप लोगों की, ये जी सिर्फ बिजली बिल्कुल, पानी उन सड़क शिक्षा इसी पर ही चुनाव होता है, जिंदाबाद जी मुर्दाबाद, इसने इसको इसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, और फिर उसके बाद जो कांग्रेस में चला गया कोई बीजेपी में चला गया, बीजेपी में गया वो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में गया वो बीजेपी में, आप लोगों की आवाज किसी ने उठाई। जी हाँ जी, बिल्कुल इसका ये है कि किसी भी विधानसभा के किसी भी विधायक ने, हम कहते हैं सर कि अगर आज भी कोई देहरादून की विधानसभा का विधायक अगर बेरोजगारी को लेके वो उठाते हैं तो हम उसे सपोर्ट करेंगे अपने तरीके से, हम उसे जरूर शेयर करेंगे जो कुछ भी, लेकिन ऐसा हमें कोई मिले ही पूरी विधानसभा छान दी पूरे उत्तराखंड में कोई भी विधायक युवाओं की बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये और तो एक कहते हैं कि हमने युवा मुख्यमंत्री दे दिया, अब तो युवाओं की कम से कम आवाज सुनी जाएगी, युवा मुख्यमंत्री है, 500 क्या फैसले बात, लिए गए और 500 फैसलों में कोई फैसला आप लोगों के हित में नहीं है। सर देख रहे सर, जैसे आप देख रहे सर मोदी जी कह के गए थे सर पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी जो पहाड़ के काम आएगा सर, इन्होंने सर इस उत्तराखंड को हमने सर डबल इंजन में लगाया सर, डबल इंजन के बाद इनके तीन तीन इंजन खराब हो रहे हैं सर, ठीक है आप हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं सर जो युवा मुख्यमंत्री से सर, इन्होंने जो है सर जो किसी भी मुख्यमंत्री ने हम बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं सोचा सर, हम तो इन्होंने तो ये बोला हम जो है हम सबको रोजगार सर, हम ये थोड़ी ना बोल रहे सर सबको रोजगार दो, लेकिन जो आपके विभागों में जो पद खाली है उनकी तो कम से कम जो है नियुक्ति निकाले, विज्ञप्ति निकाले उनपे। ये कुछ आंकड़ा है आप लोगों के पास कि उत्तराखंड में कितने विभागों में नियुक्तियां खाली हैं, कितने पद खाली हैं, कुछ इस तरह का आंकड़ा है आप लोगों के पास, और अब है इस तरह का आंकड़ा? सर लगभग 22,000 पद तो इन्होंने खुद से बोले हुए हैं कि रिक्त पड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पद ऐसे हैं कि कहीं इन्होंने व्यवस्थाएं की है, उपनल जैसी व्यवस्थाएं की है, कहीं पे इनके संविधान में अलग अलग तरीके से लगाए, लेकिन लगभग आंकड़े जितने इन्होंने रोजगार दिए हैं उससे 10 गुना ज्यादा पद खाली हैं। इन्होंने कुल एक मतलब अगर इन्होंने 1,000 सीटें निकाली है तो ये मान के चलो आपके उससे 10 से 20 गुना ज्यादा तक पद खाली हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गुना बहुत कम पदों पर ये नियुक्ति कर रहे हैं सर। अब इसका कारण क्या है वो हम ये बजट भी बताते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 करोड़ वाले, लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में अगर आप साल भर में 1500 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो आपकी सरकार फेल है सर मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं आंकड़े दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े भी मैंने आंकड़े बहुत जरूरी थे, अगर हम साथ दिखा पाए, लगभग आधी चर्चा निकल गई अभी तक हम आंकड़े नहीं दिखा पाए, लेकिन वीरेन जी मुझे एक बात बताइए कि ऐसी स्थिति में जहां पर शिक्षा मंत्री कहते हैं, आप कह रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो कह रहे हैं हमने विभाग अनुसार सूची दिखा देंगे आपको कि कहां कहां कितने कितने लोगों को रोजगार दिया, और यहां पर 8 लाख के पार इनकी संख्या बताई जा रही है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा रोजगार दिए शिक्षा विभाग में,
और आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगार यही है। सर जैसे जैसे सर जो बेरोजगारी दर है सर, शिक्षा मंत्री जो है सर, सब जो है सर, ये जो सर कुछ तो सर चुनावी जुमले करते हैं सर, और रही बात कुछ कुछ विज्ञप्ति, कुछ उन्होंने विज्ञप्ति निकाली सर, जब तक नियुक्ति नहीं मिली सर तब तक उनको, जब तक उनको नियुक्ति नहीं मिली सर तब तक रोजगार की उस श्रेणी में कहाँ आएगा सर, केवल निकाली है सर, केवल जो है सर नियुक्ति नहीं दी सर इनको, अभी निकाली भी है सर उसमें नियुक्ति नहीं दी है। अब सर क्या बोलते हैं अपना, कब कुछ जो उन्होंने पद निकाले कब सब इनका पेपर होगा सर, कब हाई कोर्ट, कब जो रिजल्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, तब फिर हाई कोर्ट जो आदेश करेगा, फिर जांच होगी, तब जाके किसी को रोजगार मिलेगा सर। ये जो रोजगार मेले लगते हैं सौरभ जी, ये रोजगार मेलों से कुछ फायदा होता है क्या? ये सरकार लगाती है रोजगार मेले, मैंने देखा 2016 में 108 मेले लगे, 2017 में 172 लगे, 2018 में 105, 2020-21 में भी 46 मेले लगे, कुछ मिलती है नौकरियां आप लोगों को? सर वैसे तो मैं रोजगार मेलों में कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि हमारा ये रहा है कि अभी फिलहाल हम जो तरीकेबद्ध है रोजगार मेलों में तो आपकी परसेंटेज है वो देखी जाएगी, लेकिन हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो उसी को रोजगार मानेंगे जो सरकार ने विज्ञप्ति जिस चीज की निकाली और फिर जिसमें ज्वाइनिंग। निजी क्षेत्र में भी जी 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 हाँ जी, लेकिन सर सर बेरोजगारी अगर हो सकता है ना गलत हूँ, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में जो मेले लगे वो 46 मेले लगे और महज 1300-1400 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। सर इसमें यह है सर कि जो ये रोजगार मेले, इसमें निजी क्षेत्रों को लेके ज्यादा ये होता है, निजी क्षेत्र के ही मेले होते हैं ये, इसमें स्किल वाले जिन्होंने डिप्लोमा किए हुए हैं उन लड़कों को रोजगार मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं सर, क्योंकि उत्तराखंड एक गरीब और पिछड़ा राज्य है और यहाँ के लोगों ने सब, हर कोई बीटेक नहीं कर सकता सर 10 लाख की फीस देकर, और पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता हर कोई, यहाँ पे लोग क्या करते हैं 12वीं करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद रोजगार के लिए उनके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करे या तो वो आर्मी में जाए, तो यही दिक्कत है सर यहाँ पे कि लोगों को जो ग्रेजुएशन वाले लोग जो गरीब छात्र है उनके लिए जो सरकारी नौकरी में होते हैं वो पद पूर्ण रूप से भरे नहीं जा रहे हैं सर, उनको नहीं, पता नहीं किस चीज के लिए रहते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, चांद भी ले आएंगे, जो कुछ चाहिए आप लोगों को सब कुछ दे देंगे, बस सत्ता दे दो हमें, यही बोलते हैं ना। तभी आप लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने 21 साल में कितनी नौकरियां दी, वीरेन जी कभी कोशिश की आप लोगों ने? सर वैसे तो सरकार सर कभी हमारे बीच आती नहीं है सर, पहली बात है सर, कोई भी जनप्रतिनिधि ये बोलने के लिए तैयार नहीं सर कि जो है हम मेरे जो है 5 सालों के जो है कार्यकाल में आपको कोई जो है कितने रोजगार देंगे, आप इस बारे में कोई बात नहीं चाहते सर, लेकिन जो वादों के बारे में बात होती सर, हम बोलते सर हमने इतने पद निकाल दिए, हम इतना रोजगार देंगे, केवल जो सर उसमें कागजी उसमें होता सर, केवल जो चुनावी जुमले के तौर पर होता है सर, बात बाकी जो सर जमीन पर तो सर आप सभी को बेरोजगारों को भी पता है सर, और जो है सभी को पता है सर कितना रोजगार दे रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ना विपक्ष आवाज उठाता है ना सत्ता पक्ष आवाज उठाता है? कोई नहीं सर, कोई भी आज तक बेरोजगारों के सर कोई भी नेता जो सर बोलने के लिए, दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं सर, उनके पास जाओ सर जो हमारा जो ज्ञापन होता सर उनको देने को, वो किस कहां पड़ता सर हमें ये भी पता नहीं सर कि किस वस्त्र में पड़ता है, मना नहीं करते सर, मना नहीं करते सर, इसमें ये बोलते सर इसमें काम हो जाएगा। ओके, लेकिन सौरभ आपको क्या लगता है कैसे ये राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है, अगर एक एजेंडे के तहत अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया बेरोजगारों की आवाज उठाने वाला कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं देता, किस तरह से जागरूक किया जा सकता है युवाओं को और किस तरह से राजनीतिक दलों के सामने ये एजेंडा रखा जा सकता है कि यही सबसे बड़ा एजेंडा है? सौरभ आपको क्या लगता है? सर इसके पीछे जो ये बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, सिर्फ बेरोजगारी जिम्मेदार नहीं है सर, इसके पीछे ना बेरोजगार जो लोग हैं उनके घर वाले भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो उनके घर बेरोजगार यहाँ पर जो मैक्सिमम बेरोजगार है वो अपने घर से आश्रित हैं, अभी तक वो ऐसा नहीं है कि देहरादून में खुद कमा के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको घर से ही खर्चा जाता है, तो जब वो घर से खर्चा जाता है तो घर वालों के दबाव में ही हर काम करते हैं और उनके घर वाले वोट कर रहे हैं मोदी के नाम पे, वोट कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पे, उनके घर वालों ने कभी नेताओं से ये नहीं पूछा सवाल कि सर अब बच्चों हमारे बच्चों के लिए कोई सिस्टम है, यहाँ पे आयोग है, उसमें कोई परीक्षाएं टाइम से नहीं हो रही है, या रोजगार 5-5, 7-7 सालों में एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो इसमें ना यहाँ पे जब तक बड़े लोग इसके सीनियर सिटीजन ये नहीं समझेंगे कि बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई अन्य प्रदर्शनों से जरूर बताते रहते हैं कि हाँ बेरोजगारी का यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक बड़े लोग नहीं इसे स्वीकार करेंगे, बड़े लोग नेताओं से पूछना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये मुद्दा नहीं बन पाएगा सर। आपको क्या लगता है वीरेन कैसे ये मुद्दा बन सकता है?
सर मुद्दा सर हम सबको सर आज हम सब सब बेरोजगारों सर उनकी फैमिली उसको जो है जितने भी जो सब फैमिली मेंबर है सर जितने भी सर उनके जो है अपने बारे में सर कंडीशन है सर क्योंकि हमारी सरकार जिनको हम बताते हैं सर वो सुनने के लिए तैयार नहीं सर। जैसे सर हमारे यहाँ चल रहा सर जैसे सर मोदी का वो चल रहा सर मोदी मोदी बोलेगा सर अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। अगर उनको अपनी उसमें समझाते कि हमने जो आंकड़े बताते तो लेकिन हर कोई सर समझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा युवा पूछते हैं कि जब ये वोट मांगने आते हैं राजनीतिक दल एक्स वाई जेड कोई भी हो बीजेपी भी वाले आते होंगे कांग्रेस वाले भी आते होंगे अब तो आम आदमी पार्टी वाले भी आ रहे कह रहे कितना रोजगार दे देंगे पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे आप लोगों को रुकिए आम आदमी पार्टी वाले कह रहे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कभी आप लोगों ने पूछा उनसे कि हमें कितना रोजगार दिया आप लोगों ने पूछा कभी सर। बात ऐसी है सर वैसे तो सर नेता लोग जो सर हमारे बीच में तो आते ही नहीं सर वो उन्हें पता है सर कि ये तो सवाल पूछेंगे सर और सर सर अब उनकी उनको अपनी इंसल्ट इसमें महसूस होगी सर। मैं तो सवाल अगर मेरे पास आएगा सर मैं तो सवाल पूछूंगा सर कि आपने 5 साल में आप की कार्यकाल में आप कितनों को रोजगार दिया सर आपने हमारी बेरोजगारों की बात कहाँ पर उठाई है हम तो सर मैं तो सवाल पूछूंगा सर। इसलिए सर ऐसे पढ़े लिखे लड़कों के बीच जो सर बेरोजगार लड़कों के बीच में आएंगे नहीं सर आज तक जो सर हमारा कभी या फिर कहीं धरना होता सर प्रदर्शन होता सर आज तक जो कोई भी नेता जो सर वहां पर आता नहीं है सर मतलब सुध लेने नहीं आता सर चाहे अपना क्षेत्र का जो है सर खास होगा सर तभी नहीं आएगा सर कभी नहीं आएगा देहरादून की सर नहीं आता सर खालो कोई नहीं आता बिल्कुल सर हम देहरादून की हमने सर चार क्या आजकल 4 तारीख में उत्तराखंड पुलिस का संबंध आयु सीमा का संबंध हमने आंदोलन किया था सर क्या उसमें जो आंदोलन किया था लेकिन सर वहां पर मुख्यमंत्री जी के पीआरओ ने हमारा ज्ञापन लिया था और हमें घर भेज दिया जाए क्योंकि हम इसको अभी पास करें सर अभी वो अब उसके बाद आचार संहिता लगी लग गए सर 2 बार कैबिनेट में बैठी सर लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ सर जबकि सर फाइनल कमेंट देखिए अब राजनीतिक दल क्यों एजेंडा बनाते इसे मैं नहीं जानता लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया का एजेंडा यही है हम लगातार बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं अपना मंच देते हैं। तो सौरभ जी और वीरेन जी चलते चलते पहले वीरेन जी जल्दी से क्या कहना चाहेंगे सरकार को। सर सरकार को सर हम बेरोजगारों के बारे में सोचना चाहिए सर। देखो सर मैं आजकल ही सर क्या उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आए सर वो उसमें भी सर उन्होंने सर जनरल की आयु सीमा 22 साल रखी सर 1 साल कोविड लगा 23 साल सर और सर उसमें सर 8 साल से सर वैकेंसी नहीं आई सर ये लगा लो सर जो युवा इस बार जो है कुछ दिन सपोज सर सर 1 महीना कम था सर 18 साल से तो आज की डेट में सर वो 26 करोड़ हो चुका सर और जो सर उसको तुम अवसर उसको तो मौका ही नहीं मिला सर अवसर की समानता नाम की है सर बाद में समानता का अधिकार नहीं मिला सर। जवानी के 6 साल खराब हो जाए तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। लेकिन सौरभ जी इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार को और जो विपक्ष चुनाव लड़ रहा है उसको भी। हेलो सर साउंड आ रही है सर। जी बिल्कुल आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को और इस मंच के माध्यम से विपक्ष को भी। सर मैं यही कहूंगा विपक्ष भी को यही कहूंगा कि अगर विपक्ष जागरूक है तो सरकार को अपने आप उस मुद्दे को ध्यान में लाना पड़ता है जिस मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। मैं यही चाहूंगा कि विपक्ष मिली भगत ना सरकार के साथ मिली भगत के साथ ना रहे और बल्कि अपने मुद्दे उठाए और युवाओं को साथ ले हर चीज को बेरोजगारी को मुद्दा बनाए सर जल्द से जल्द बेरोजगारी को मुद्दा बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका भी सौरभ जी आपका भी। हमने इसीलिए राजनीतिक दलों को इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया था क्योंकि राजनीतिक तूतू मैमे में आप लोगों की बात नहीं आ पाती। बिल्कुल सर क्योंकि आप लोगों के लिए मंच है आप लोगों की आवाज क्योंकि 2021 में बेरोजगारों की पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या हो गई 8 लाख के पार लेकिन फिर भी जो 10% वोटर है इस संख्या के जो 10% उत्तराखंड में जितने भी वोटर हैं उनके 10% बेरोजगार हूं जरा सोचकर देखे फिर भी बेरोजगारी मुद्दा ना ये अपने आप में सवाल है हमारे ऊपर भी सवाल है राजनीतिक दलों के सामने भी और युवाओं की फौज सिर्फ इंतजार कर रही है तो नौकरी का। नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।